तो जो बार डायग्राम है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उससे आप बहुत सिंपलीफाई देख सकते हैं कि डेटा किस ट्रेंड में चल रहा है। एक और देखते हैं, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। दिल्ली में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, राजस्थान में क्या है, पंजाब में क्या दे रखा है, इसको अपन इस तरीके से वर्टिकल बार डायग्राम जो कि अपन ऊपर पढ़ के हैं वैसे भी दिखा सकते हैं। दिल्ली में कितना है, राजस्थान में कितना है, पंजाब में कितना है, और इससे हमें पता लग रहा है कि हाईएस्ट जो है वो राजस्थान में है और लोएस्ट जो है वो केरला में है। देखो कितनी जल्दी पता लग गया, अदरवाइज फिगर देखने पड़ते। यही चीज मैं हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम में भी कर सकता हूँ कि लाइन यूं खींची, ये गुजरात का, केरला का, महाराष्ट्र का, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, और हम यहाँ देख के पता लग सकते हैं केरला का सबसे कम है और राजस्थान का सबसे ज्यादा है। तो वो तो क्वेश्चन में कह देगा कि वर्टिकल दिखाना है या हॉरिजॉन्टल दिखाना है। सही है, तो बार भी दो टाइप के हो गए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल बार डायग्राम। सर हम 2005 में दो तीन चीजें दिखाना चाहते हैं कि आर्ट्स में कितने स्टूडेंट थे, कॉमर्स में कितने स्टूडेंट थे, साइंस में कितने स्टूडेंट थे। सबके शेडेड एरिया भी आप देख रहे हैं अलग अलग हैं, है ना। और हम 2005 में इस तरह से मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हैं कि आर्ट्स में इतने स्टूडेंट थे, कॉमर्स में इतने स्टूडेंट थे, साइंस में थे। कंपैरिजन हो गया सर इस साल में कितने स्टूडेंट थे किस किस स्ट्रीम के अंदर। फिर 2006 में ईयर में दिखाया, फिर 2007 में दिखाया। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर ने 100-100 का स्केलिंग ले लिया। सही है, तो इस तरह से हर ईयर की मल्टीपल बार्स है, तीन बार्स इधर है, तीन बार इधर है। आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं, 2005 में आर्ट्स कितने स्टूडेंट थे, 2006 में इतने हुए, 2007 में इतने हुए, तो आर्ट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। देन ऐसे ही कॉमर्स और ऐसे ही साइंस वगैरह का सारा आप मल्टीपल बार डायग्राम, एक ही ईयर में मल्टीपल बार होते हैं। सही है, इसी का एक डिफरेंट वे है, दैट इज अ सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम। दो नाम है इसके, ये भी याद करें, ये भी कल को दूसरे नाम से आ गया तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो सब डिवाइडेड बार किसको कहते हैं, अब तक तो आप एक ईयर में तीन बार बना रहे थे, अब एक्चुअली इससे भी ज्यादा हो जाए तो कितनी बार बना लोगे, तो उसका एक दूसरा तरीका निकाला गया, ये रहा। अब है पांच कंटेंट है, फूड है, क्लोथिंग है, हाउस रेंट है, मिसलेनियस है एंड सेविंग है। सही है, और हम इसको एक ही बार में दिखाना चाहते हैं। सही है, तो हमने ये देखा कि ये एक्चुअल फिगर पे अपना, और इस हमने ये देखा कि इसका टोटल जो है वो है 25,000। हम 25,000 का डेटा दिखाना चाहते हैं, तो देखो 5,000, 10,000, 15,000, 20 एंड 25। इस 25 में फूड कितना है, 10, तो देखो 10 तक तो मैं फूड ही लिया है, ये फूड है, ये देखो 10 तक है। सही है, उसके बाद अगले 5,000 क्लोथिंग के हैं, तो ये देखो 15,000 तक लिया है, ये क्लोथिंग का हो गया। अगले 4,000 यानी 19,000 तक ले आऊंगा, वो हो जाएगा हाउस रेंट का। अगले 4,500 मिसलिनियस के हो जाएंगे, और अगले 1,500 आपके सेविंग के हो जाएंगे, एक ही बार के ऊपर चल रहा है। क्योंकि बहुत पांच आइटम हो गए ना, पांच मल्टीपल बार डायग्राम थोड़े से अच्छे नहीं लगेंगे, थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, इसीलिए मल्टीपल बार की जगह यहाँ क्या बना दिया, सब डिवाइडेड बार बना दिया, एक ही बार में पूरा डेटा दिखा दिया। ये ऐसे फैमिली बी का दिखा दिया, अब आप कंपेरिजन इजिली कर सकते हैं। सही है, ये कहलाता है सब डिवाइडेड या कॉम्पोनेंट बार डायग्राम। ऐसे ही इसमें फैमिली बी का भी दिखाया गया, फैमिली बी का जो टोटल है 40,000 है, और आपने इस 40,000 के डेटा को यहां दिखाया है। ये जो टेबल है ना सब डिवाइडेड की, ये एक्चुअल फिगर्स पर होती है। किस पर? एक्चुअल फिगर्स। ये जो फिगर है यही यहां प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े बड़े डेटा हैं, इनको डायरेक्टली कंपेयर करना इस तरीके से तो बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए फिर एक दूसरा तरीका बनाया गया, वो है आपका परसेंटेज बार डायग्राम। उसमें क्या है कि वही डेटा जो है वो परसेंटेज में दे दिया गया, वो डेटा परसेंटेज में कैलकुलेट कर लिया गया जो कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। सही है, कैसे? इसमें मान लो किसी का भी परसेंटेज आपको निकालना है, जैसे फूड का परसेंटेज आपको निकालना है। सही है, अब इसमें इसका फॉर्मूला अपन बनाते हैं कि कोई भी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला आप बना लीजिए, क्या जिस भी आइटम का निकालना चाहते हैं दैट आइटम उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, किस चीज का फॉर्मूला, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, लिख लें ये फॉर्मूला, आइटम डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। जैसे मैं फूड का परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे फूड था आपका 10,000, फैमिली ए की बात कर रहा हूँ, उसका टोटल एक्सपेंडिचर था 25,000 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज आता है 40%। ऐसे ही मैं चाहता हूँ क्लोदिंग का परसेंटेज निकालना, क्लोदिंग पे आपका खर्चा कितना हुआ था देखें, 5,000, टोटल खर्चा तो वही 25,000 ही चल रहा है, 25,000 इंटू 100 दैट इज
20%। तो ऐसे सब आइटम के पहले परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, और अब यहाँ जो है ना एक्चुअल फिगर ना लेके परसेंटेज लिखा जाएगा। फैमिली ए का परसेंटेज 20, 40, 60, 80 और 100 यहाँ दे दिए गए। अब फूड का 40%, तो देखो 40% यहां तक आता है, ये आपका फूड का आइटम हो गया। ये मेजरमेंट दे दिए गए, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, सेविंग, मिसलेनियस। तो फूड का परसेंटेज निकला 40, क्लोथिंग का निकला 20, तो 40 एंड 20, 60। ऐसे सबके परसेंटेज आ जाएंगे, टोटल कहां तक पहुंचेगा, 100 तक। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि सर देखिए फैमिली ए में जो फूड पे खर्चा था 40% था, लेकिन फैमिली बी में खर्चा कम है, क्योंकि दोनों 100 के स्केल पर हैं, तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। बट इसमें एक स्टेप बढ़ जाती है, परसेंटेज निकालने की। पहले आपको सब आइटम के क्या निकालने पड़ेंगे, परसेंटेज निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको कर सकते हैं। टेबल इसमें पिछले वाले एग्जाम्पल की ये वाली ही काम आई है जो अपन ने ली है, है ना, इन्हीं से परसेंटेज आपके निकलेंगे। तो पहले परसेंटेज सारे निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप परसेंटेज बार डायग्राम जो है वह बना सकते हैं। सही, एक आपका होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिविएशन बार डायग्राम, डिविएट करना। ये बेसिकली आपका कब काम आता है, जब कोई डेटा में अप भी हो और डाउन भी हो। बेसिकली किस में होता है, ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। तो यहाँ क्या होता है, जीरो की जो लाइन है ना, बीच में इससे खींच दी जाती है आपके ग्राफ पेपर पे, ही एक्स एक्सिस है। यहाँ फिगर पॉजिटिव चल रहे हैं, यहाँ फिगर नेगेटिव चल रहे हैं, देखो -50 -100, यहाँ +50 +100 +150। तो ईयर 2003 में आपको प्रॉफिट हुआ 150 का, ईयर 2004 में आपको प्रॉफिट हुआ 220 का, 2005 में प्रॉफिट हुआ, 2006 में प्रॉफिट हुआ, 2007 में लॉस हुआ, तो ये डायग्राम नीचे आ जाएगा। यहाँ भी लॉस हुआ तो ये डायग्राम भी नीचे आ जाएगा। जब प्रॉफिट थे तो डायग्राम कहाँ जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। जब प्रॉफिट थे तो डायग्राम ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिविएशन बार डायग्राम। तो ये भी एक तरीका है। देन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है ब्रोकन बार डायग्राम। सर ये ब्रोकन बार डायग्राम क्या होता है, ये होता है जब कोई एक्सेप्शनली हाई वैल्यू हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं 120, 250, 430, 550 हंड्रेड्स में चल रहे हैं, लेकिन एक फिगर आप यहाँ देख रहे हैं 2003 के अंदर, ये बहुत ज्यादा फिगर है ना। तो अब अपन इसको दिखाएंगे तो इसकी बार तो बहुत लंबी चल जाएगी, आपका तो इतना बड़ा पेपर ही नहीं है। दैट्स वाई आप क्या करते हो, डेटा को नॉर्मली दिखाते हो। ये देखो 2001 ये 120 है, ये 250 है, ये 430 है। इस वाली बार को मैक्सिमम तक ले जाकर यहां ब्रोकन कर देते हो और ऊपर फिगर लिख देते हो कि ये सर ये वाली जो फिगर है ये 3250 तक जाएगी। ब्रोकन कर दी ना यहां आपने, बाकी को तो नहीं किया। तो जो एक्सेप्शनली ये वाली जो बार थी ना, उसको ब्रोकन बार बनाया जाता है कि ये हम 3250 तक ले जा नहीं सकते, इसलिए तोड़कर उसका एंड लिख देते हैं कि हाँ भाई ये इस तरह से 3250 तक जाएगी। भाई ये 120 जाएगी, ये 250 जाएगी, तो 3250 तो बहुत दूर तक चल जाएगी, लेकिन इतना बड़ा तो पेपर ही नहीं है। तो फिर यहाँ ब्रोकन बार इस तरीके से इसकी बनाई जाती है, क्योंकि हमारा नॉर्मल डेटा तो 600 तक ही है, इसके बाद 3250 तक कैसे जाएगा, इसलिए 3250 का नाम यहाँ लिख दिया जाता है और बार को ब्रोकन कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्रोकन बार डायग्राम। सही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज पे अपन देखते हैं पाई डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं। पाई डायग्राम क्या है, पाई डायग्राम इज ए सर्कुलर डायग्राम, देखो ये सर्कुलर जैसा होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड पाई चार्ट और एंगुलर डायग्राम भी कहते हैं। सही है, तो इसको सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं, ये बात नया नाम है याद करना, पाई चार्ट, एंगुलर डायग्राम। दीज डायग्राम आर वेरी यूजफुल इन एम्फसिंग एरियाज, दे आर कंपैरेटिवली इजियर टू ड्रॉ विथ सर्किल एंड सेक्टर। ये सर्किल है और ये इसके सेक्टर्स हैं। टोटल एज वेल एज कॉम्पोनेंट पार्ट कैन बी एग्जिबिट, सब चीजें सर्किल में आप दिखाते हैं। द टोटल एंगल ऑफ सेंटर 360 डिग्री होता है, है ना, और इसके लिए इसको पाई डायग्राम कहते हैं। इसमें अलग अलग पाइज बनी हुई है, सेक्टर बने उनको पाइज है। तो देखिए, तो अपन ने यहाँ एक डेटा लिया है, फूड पे हमारा खर्चा कितना है, क्लोथिंग पे कितना है, ये सारे परसेंटेज हम निकालेंगे। अगर अमाउंट में दे रखे हैं तो भी हम उनके परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। उसका फॉर्मूला आपका क्या होगा कि आइटम डिवाइड बाई टोटल इंटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा। अच्छा, टोटल 360 डिग्री है,
और 100 में इसको बांटेंगे तो ये आ जाएगा 3.6, हर परसेंटेज के लिए 3.6, इसलिए हर परसेंटेज को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिग्रीज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, परसेंटेज को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके डिग्रीज जो है ना वो निकल जाएंगे, ये ऐसे ही निकले हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसका पूरा आपको एक सर्कल बनाकर उसमें सारे डिग्री के एंगल्स बनाने हैं, और या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि आप डायरेक्ट ही डिग्रीज निकाल लो, तो उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं, आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 360, इसके अमाउंट दे रखे होंगे, इसका अमाउंट डिवाइड बाय इसका टोटल इंटू 360 कर दो तो 360 के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो इसका एक न्यूमेरिकल जो है ना वो अपन करके देखेंगे, वो मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगा तब वो चीज जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, अभी मैंने आपको इसको थ्योरेटिकली जो है वो आपको समझा दिया है। सही है, तो ये चैप्टर बेसिकली इससे डायग्राम्स जो है वो आपको सारे दिखाएगा। ओके, थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते, अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो, उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विद इन फाइव सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए, मेरा नंबर है 9829224488, आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा, यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूँगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूँगा, BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहां आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।